बिसमान और डियर स्टूडेंट्स आज हमने एस एच एम और सिंपल हारमोनिक जिसको एस एच एम सिंपल हारमोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कंपैरिजन देखना है कि क्या जो है सिंपल हारमोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या ये दोनों सेम हैं एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं या मुख्तलिफ़ हैं इनका कंपैरिजन देखना है इनका रिलेशन हमने चेक करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एस एच एम है क्या कोई भी वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन कहलाती है uh, जब वो अपनी मीन पोजिशन के फिक्स मूव कर रही हो लेट सपोज मेरे पास एक स्विंग है और उसकी मीन पोजिशन ये है तो इस मीन पोजिशन से वो एक तरफ एक्सट्रीम uh, पोजीशन की तरफ हम उसको करके ले जाते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे तो ड्यू टू रिस्टोरिंग एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो गई है इट विल कम बैक टू द मीन पोजीशन एंड यहाँ पर वो आकर रुकेगा नहीं ड्यू टू एनर्शिया इट विल मूव फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट से uh, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा और फिर वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर जाने के बाद वापस मेन पोजीशन से होते हुए एक्सट्रीम पे आने को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल uh, कहते हैं ठीक है और uh, इसको वन कंप्लीट वाइब्रेशन भी कहते हैं नो, अगर हम स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग क्या होता है वो ऑसिलेट करता है ऑसीलेशन उसकी जो है अबाउट इट्स मीन पोजीशन होती है तो अगर हम उसके साथ वेट लगाकर उसको जो है वो वैसे ही स्ट्रेच हो जाएगा और थोड़ा सा और स्ट्रेच करके उसको छोड़ेंगे रिलीज करेंगे तो इट विल वाइब्रेट टू एंड फ्रो अप्स एंड डाउन उसकी वाइब्रेशन होगी अबाउट इट्स मेन पोजीशन तो इसको हम सिंपल हारमोनिक मोशन कह रहे हैं लेकिन अब हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपको पता हो कि जो हमारे पास चले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कुलर एस एच एम है क्या ये वेव मोशन होती है या नहीं होती तो पहले स्क्रीन देखते हैं और इसमें जी यहां देखें स्टूडेंट्स मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ कर रहा हूं और इस स्प्रिंग में एक इसका फिक्स एंड है और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक हैवी मैच एम को कनेक्ट किया है और एक नीडल लगा दिया है अब आप देखते हैं कि ठीक है जी तो अब इट विल वाइब्रेट ये इसकी मेन पोजीशन है ए पॉइंट है ए से ये अपवर्ड जाएगा ठीक है अगर हम इसको चले अपर्ड नहीं हम इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो ये डाउनवर्ड गया है ठीक है और ये इसका पॉइंट जो है जैसे ही स्ट्रेच करने के बाद हम इसे छोड़ेंगे इट विल मूव अपवर्ड ठीक है दोबारा पहले मीन पोजीशन की तरफ आएगा और ये फिर जो है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा तो दोनों बातें हम कह सकते हैं कि या हम इसे कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद हम इसे छोड़ते हैं स्प्रिंग जो है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और लिफ्ट करने के बाद छोड़ें तो इट विल वाइब्रेट तो बी की तरफ जाएगा बी से वापस ए की तरफ आएगा और फिर सी की तरफ आएगा चले पहले हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर से कंपैरिजन करने की बजाय हम इसको वेव मोशन के साथ कंपेयर कम, करते हैं आप देखें मेरे पास एक वाइट पेज है और मैंने इसके ऊपर अगर आपको देखें तो स्प्रिंग ड्रॉ किया हुआ है और इस स्प्रिंग पर इस नीडल के साथ मैंने इस नीडल की ही वेव जो है ड्रॉ होनी है आप देखें कि जब मैं इसको इस तरफ ट्रैक करूंगा तो स्प्रिंग चूंकि एक वो पेज के साथ कनेक्टेड है ये ऊपर जाते हुए इस तरीके से वेव ड्रैग वेव ड्रॉ करेगा तो कैसे करेगा लेट सपोज ये नीडल यहां पर लगी हुई है तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पेज को ड्रैग कर रहा हूं और आप देख रहे हैं ये अब नीचे की तरफ जा रहा है तो वापस अपने तो ये एक कंप्लीट वेव की शक्ल बनी है तो ये प्रॉपर अगर आप इसको करेंगे एक स्टूडेंट पेज को पकड़ ले पॉइंटर को पकड़ ले उसको जो है वो अप एंड डाउन अप की वजह से जैसे स्प्रिंग ऊपर हुआ है और पेज को हमने ड्रैग किया है तो वो क्रस्ट क्रिएट हुआ है ठीक है तो अगर हमने स्प्रिंग चूंकि ऊपर जाना था यहां से इस ड्रैक्शन में तो चूंकि इसने ऊपर जाना था तो ऊपर जाते हुए इसने क्रस्ट बनाया है क्योंकि पेज को हमने क्या किया अपनी तरफ ड्रैग किया तो वो एक वेव सी शक्ल बनी है तो हम इसी चीज को ग्राफिक बोर्ड के ऊपर देखेंगे लेट्स सी <coughs> अब आप यहां देखें बोर्ड के ऊपर देखें क्या यहां पर भी यही शेप ड्रॉ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर अब स्प्रिंग ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम भी इसको ऊपर की तरफ वेव क्रस्ट बन गया That is a crust. इसको हम दोबारा से एक extreme position कहते हैं extreme से दोबारा ये किसकी तरफ आएगा डाउनवर्ड टूवर्ड्स मीन पोजीशन तो ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा यहां से ठीक है तो यहां से हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन से वेव किसकी तरफ आती है अगेन मीन पोजीशन की यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है ठीक है यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स नॉट और यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एनीटेनियस डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स अगर हम इसको इसके साथ जो है कंपेयर करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एनी डिस्प्लेसमेंट है एक्स के साथ और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट अब देखें कि ए पर आने के बाद दोबारा से ये किसकी तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लाइन ग्रीन कलर हम देखते हैं कि ये दोबारा से जो है चले हम इसी को कंसिडर करते हैं ठीक है ये नीचे की तरफ गया है और इसका जो है ये पॉइंट जो है पोजीशन एक्सट्रीम पोजिशन गया है द एक्सट्रीम पोजिशन हम यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर लेते हैं क्या ये एक्सट्रीम के बाद दोबारा मीन की तरफ नहीं आएगा यस yes. तो इट विल कम अगेन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजिशन टू वर्ड मेन पोजिशन तो ये यहाँ से दोबारा से मेन पोजिशन की तरफ गया है तो यहाँ से भी ये मेन पोजिशन की तरफ चला गया है हम अगर इसको येलो कलर से डिनोट करें तो फर्स्ट और ये भी यहाँ पर फर्स्ट था और फिर उसके बाद ब्लू कलर से हमने सेकेंड मेन पोजिशन की तरफ सेकेंड और फिर अगर आप देखें ग्रीन कलर से थर्ड तो थर्ड ये एक्सट्रीम पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन से ये भी यहाँ पर एक्सट्रीम है ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है मैंने दोनों की तरफ एरो हेड ड्रॉ कर दिया है अब एक्सट्रीम से दोबारा किसकी तरफ जा रहे हैं मीन पोजीशन द फोर्थ और यहां पर भी फोर्थ जो है वो मीन पोजीशन की तरफ तो आप देख रहे हैं कि वन वाइब्रेशन जो है स्प्रिंग का ऊपर जाना मीन पोजीशन पे जाना फिर मीन पोजीशन से दोबारा नीचे जाना एक्सट्रीम की तरफ और एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आना इट्स अ कंप्लीट वन राउंड है और यहाँ पर भी एक वन साइकिल बन चुका है वन साइकिल इस तरह से स्टूडेंट्स मैं अगर इसको यहाँ पर सर्कुलर मोशन से आप कंपेयर करने जा रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं तो क्या आपको ये यहां भी थोड़ा सा हम इसको कर्व बना लेते हैं ठीक है और इट्स अ थ्री यहां पर देखें अगर मैं इस हाफ साइकिल को सॉरी चलें फर्स्ट को देखें जी मीन पोजीशन से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका रेडियस सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स सर्कल के राउंड अबाउट जो है वो मूव करता है इसका पॉइंट O1 पॉइंट है और इसका रेडियस जो है वो एक्स नॉट है जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन यहां से ये मूव करके जाता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मीन से एक्सट्रीम की पोजीशन की तरफ तो ये कितना अब इसने एंगल यहाँ पर बनाया होगा 90 डिग्री ठीक है तो ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज हम एनी पॉइंट कह देते हैं यहां से लेकर यहाँ तक इसने मूव किया है हम इसको यहां पर भी शो कर सकते हैं कि दैट इज अ पॉइंट पी वन और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट है वही यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना उसने एंगल टोटल अगर एंगल की बात करते हैं तो कितना एंगल कवर किया है 90 डिग्री पाई बाय टू जिसको कहते हैं इट्स अ पाई पाई एंगल इज अब आप यहां देखें कि यहाँ वेव मोशन में यहाँ पर एंगल कितना है दैट इज पाई बाय टू है मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ हेयर इज जीरो हेयर इज पाई बाय टू ठीक है यहाँ पर क्या है पाए है 180 डिग्री यहाँ पर एंगल क्या है स्ट्रीम थ्री पाए बाय टू 270 पाई टू सेवेंटी डिग्री थ्री पाए बाय टू यहाँ पर एंगल क्या है टू पाए वन कंप्लीट वेव तो जीरो से फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो टू नाइन्टी तो पाए बाय टू हमारे पास आया है फर्स्ट ग्रीन लाइन से हमने सेकेंड ब्लू से कर लेते हैं इसने भी सेकेंड uh, ब्लू से किया है अगेन किस से एक्सट्रीम पोजिशन से किस आ पर आ गए हैं मीन पोजिशन पर आ गए हैं और यहाँ पर एंगल कितना बना है पाए यहां पर भी एंगल पाए है यहां पर भी पाए है पाए से दोबारा किसकी तरफ जा रहे हैं एक्सट्रीम की टू यहाँ पर एंगल बन रहा है यहां भी थ्री पाए बाय टू बन रहा था ठीक है और एक्सट्रीम पोजिशन पर है एक्सट्रीम से दोबारा वापस किसकी तरफ आएंगे मेन पोजीशन की तरफ आएंगे और यहाँ पर एंगल बन जाएगा टू पाए अब अगर मैं वाइट कलर से देखें ये वन था तो यहाँ पर भी ये वन है ये टू है तो यहाँ ये टू है ये थ्री है तो यहाँ ये थ्री है ये फोर है तो यहाँ ये फोर है तो अगर आप देखें कि फोर क्वार्टर्स में हमारे पास एक कंप्लीट वन राउंड ट्रिप बना है एक वन सर्कल बना है साइकल बना है अगर हम इसको भी देखें वाइब्रेटरी मोशन स्प्रिंग की देखें या उसको हम इन द फॉर्म ऑफ वेव इंटरप्रेट करें आ, वाइब्रेटरी मोशन को देखे ना हार्ट बीट करता है इंसान का हार्ट क्या करता है बीट करता है तो उस वाइब्रेशंस में उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनसे वेव्स क्रिएट होती हैं कि नहीं होती इसी चीज जो हम करते हैं तो उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं वो इस मेथड से हो रही होती हैं तो <coughs> आप देखें कि यहाँ पर मैंने इस वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसको मैंने सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर कर दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज आपने ध्यान से देखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है या तो वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है यहां पर कहा अप एंड डाउन होगा तो मैं इस पॉइंट को डी एंड ई कहूंगा और इस पॉइंट को ओ कहूंगा तो यहां से देखें कि इसके ऊपर लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है तो वो वाइब्रेटरी मोशन में वो ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक जा रहा है ये यह मैं यहां देखें जी अब आपको इस कलर से नजर आ रहा होगा अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ से वाइब्रेटरी मोशन स्प्रिंग की मोशन में वो यहाँ से ओ से डी आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर सर्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डी से इस पॉइंट इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ डी और डिफरेंट नाम एल दे देते हैं तो डी से एल की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ये आया है और इधर जो है आप दोबारा से वापस मीन पोजीशन की तरफ आए हैं टू टू पॉइंट देखें दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आए हैं अच्छा एल से ई की तरफ जा रहे हैं थर्ड तो यहां पर मतलब मीन से किसकी तरफ जा रहे हैं की तरफ मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो यहां भी यहां से फिर देखें इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां पर हम करेंगे ये थ्री है ठीक है और दोबारा से क्या है फोर है ये हमारे पास वन है और ये टू है ठीक है तो फर्स्ट अगर आप देखें कि मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइन जो ड्रॉ की है वो अगर आपको हम इसको रेस कर देते हैं यहाँ पर जो हमने किया है काम ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऊपर गए हैं और ये यहां से यहाँ की तरफ आए हैं ऐसी हुआ फिर ये वापस ब्लू कलर से इस तरफ जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं स्प्रिंग में स्प्रिंग की फिर थर्ड मोशन ये है और फोर्थ मोशन ये है तो स्प्रिंग जो है वो ओ से डी और डी से ओ और फिर ओ से ई e की तरफ जा रहा है स्प्रिंग मोशन जो है वो किस तरफ जा रही है अगर हम इस पॉइंट से देखें ए बी सी यहां क्या बनेगा ए बी बी से दोबारा ए ए से सी सी से दोबारा ए की तरफ इट्स अ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ठीक है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इसी तरीके से हमारे पास यहां पर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप के साथ साथ हमने हमारे पास यहां पर वन वेव भी क्रिएट हो रही है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को वन साइकिल भी कह सकते हैं ठीक है वन साइकिल भी कह सकते हैं दैट इज टू पाई और वन साइकिल मतलब कंप्लीट सर्कल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है ओ से डी की तरफ गए हैं डी से दोबारा ओ की तरफ आए हैं ओ से ई e की तरफ गए हैं और ई e से दोबारा ओ की तरफ आए हैं तो ये पॉइंट्स देखें और ये पॉइंट्स देखें सेम है अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर करते हैं वाइब्रेटरी मोशन से तो दोनों सिमिलर हैं और विद दी हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी वेव मोशन से भी कंपेयर करें वो भी सेम आएंगे अब इसके साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक हमने कवर किया है एस एच एम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो अब हमने इस सिंपल हारमोनिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सर्कुलर मोशन से इसको स्टडी करेंगे और सर्कुलर मोशन में हम इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सरेशन फाइंड करेंगे तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ठीक है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी आपको जेन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़